हाय, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए जी विदाउट डिले अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अंकित इज वेरी हैप्पी, हिज अंकल हु लिव्स इन कैनेडा इज कमिंग टू विजिट हिम इन इंडिया। अंकित आज बहुत खुश है, उसके अंकल जो कि कैनेडा में रहते हैं इज कमिंग टू विजिट हिम इन इंडिया, वो आने वाले हैं उसे विजिट करने के लिए इंडिया में। व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली अंकल, आप दिल्ली कब आ रहे हैं अंकल। इट विल बी सो मच फन टू हैव यू विद अस, बड़ा मज़ा आएगा जब आप हमारे साथ होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अंकित एक बच्चा है जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि उसके मामा जी आज आने वाले हैं। इट विल बी सून, बहुत जल्दी आने वाला हूँ डियर, मैं मेरे प्यारे बच्चे मैं बहुत जल्दी ही आने वाला हूँ, मामा लिखते हैं। फर्स्ट आई हैव टू गो टू फ्रैंकफर्ट एंड देन इस्तांबुल फॉर सम वर्क। अब मामा जी को कुछ काम के लिए फ्रैंकफर्ट जाना है और इस्तांबुल जाना है, जगहों के नाम है ये, ठीक है, कुछ काम के लिए। अब बच्चा क्या कहता है, माई अंकल इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग टू दीज अमेजिंग प्लेसेस, मेरे जो अंकल हैं वो हमेशा जो है ट्रैवल करते रहते हैं इतने अमेजिंग अमेजिंग प्लेसेस पर। लेट मी चेक द ग्लोब एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ दीज प्लेसेस, मुझे ग्लोब को चेक करना है और देखना है कि भाई ये जगहें कहाँ पर हैं। अंकित गोज़ टू स्लीप फीलिंग हैप्पी, अंकित सोने चला जाता है और बहुत ही खुश होता है। ही हैड अ ब्यूटिफुल ड्रीम, उसे बहुत खूबसूरत सपना आता है। आई एम गोइंग एन एडवेंचर ट्रिप टू ब्यूटिफुल प्लेसेस जस्ट लाइक माई अंकल, मैं भी जा रहा हूँ एडवेंचरस प्लेसेस पर, इतने खूबसूरत जगहों पर जैसे कि मेरे अंकल गए हैं। आई हैव दिस मैप टू गाइड मी, मेरे पास ये मैप है जो मुझे गाइड करेगा। अब वहाँ पीछे जो पार्ट हमने पढ़ा यहाँ से तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ से लिखे वी शैल लर्न। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में, रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे टू डिटरमाइन द लोकेशन, मतलब भाई कोई जगह कहाँ पर है किसी प्लेस की ऑन द अर्थ, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये देखो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये दो चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। अब ये लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब हम मैं आपको अभी पढ़ाती जाऊँगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोकेशन की, भाई टाइप्स ऑफ लोकेशन सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन निकालो, राइट द टाइप्स ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन क्या, पहले लोकेशन क्या, व्हाट इज़ लोकेशन, अ लोकेशन इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। लोकेशन वो जगह होती है जहाँ कुछ होता है या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशंस, दो टाइप की लोकेशंस होती हैं, पहली होती है रिलेटिव लोकेशन, दूसरी होती है एब्सोल्यूट लोकेशन। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, ये एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो रिलेटिव लोकेशन पढ़ते हैं, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू अदर प्लेसेस, जब हम किसी प्लेस की पोजीशन बताते हैं, पोजीशन मतलब कि कोई चीज़ कहाँ पर है और कैसे बताते हैं, जैसे कि हम मैं ये बोलूँ भाई मेरा घर जो है वो इस वाले बैंक के पास है या इस वाले मॉल के पास है, तो जो मैं इस तरीके से बता रही हूँ ना, इसके पास है उसके पास है, तो ये तो एक तरीके से मैं रेफरेंस दे रही हूँ, है ना, ये होती है रिलेट करा रही हूँ मैं, तो ये होती है रिलेटिव लोकेशन, ठीक है। मैंने बोला उस पार्क के पास जाना, उसके सामने मेरा घर है, तो ये हो गई हमारी रिलेटिव लोकेशन, एब्सोल्यूट मैंने नहीं बताया अभी, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव लोकेशन। अब एब्सोल्यूट पे क्या होगा, मैं एग्जैक्टली बताऊंगी ये मेरे घर का एड्रेस है, ठीक है, तो वहाँ मैं कोई रेफरेंस नहीं दे रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल यू मे डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर हाउस टू योर फैमिली बाय स्टेटिंग हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अदर प्लेसेस नियर बाय लाइक। फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे कि आप डिस्क्राइब कर सकते हो भाई किसी भी प्लेस की लोकेशन को अपने घर की, अपने दोस्तों को बाय स्टेटिंग की कहकर हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अदर प्लेसेस, कि वो किसी प्लेस से कैसे रिलेट करती है ना, कि मेरा घर मान लो मैं बोलूँ कि मेरा घर इस वाले अस्पताल के आप राइट साइड जाइए तो आपको मिल जाएगा, तो मैं रिलेट करा रही हूँ तरीके से, ये रिलेटिव लोकेशन कहलाती है। इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग मॉल, भैया हमारी जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड में है बिग मॉल की और इस तरीके से, और जस्ट पास्ट द पार्क है ना, या पार्क के पास है। वी कैन यूज फैमिलियर लैंडमार्क्स एंड डायरेक्शन सच एज राइट साइड है, कोई चीज़ लेफ्ट साइड है, और स्ट्रीट अहेड है, मतलब हम ऐसे लैंडमार्क भी बना सकते हैं ना, डायरेक्शन बता सकते हैं कि भाई लैंडमार्क क्या होते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये वाले पार्क, तो पार्क एक हमारा लैंडमार्क हो गया, इस वाले अस्पताल के पास तो अस्पताल हमारा लैंडमार्क हो गया। अब हम उससे बताएं डायरेक्शन कि भाई पार्क से राइट साइड जाइए, पार्क से लेफ्ट साइड जाइए, स्ट्रेट अहेड सीधे जाइए, सो ये सब रिलेटिव लोकेशन होती है। अब एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट लोकेशन टेल्स अस एग्जैक्ट पोजीशन वेयर अ प्लेस इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब क्या मतलब हो गया कि मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ कि भाई ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, मैं यहाँ कोई रेफरेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं सीधा अपना बता रही हूँ एग्जैक्ट पोजीशन ये मेरे घर की है, वेयर द प्लेस इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि
अर्थ पे ये जगह कहाँ पर है। योर होम एड्रेस डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ योर हाउस ऑन द अर्थ। आपका जो घर का एड्रेस है वो डिस्क्राइब करता है एब्सोल्यूट पोजीशन को आपके घर की अर्थ पर। यू कैन ऑल्सो नो, आप ये भी जान सकते हो अबाउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ योर प्लेस फ्रॉम अ मैप। एक मैप के द्वारा भी आप एब्सोल्यूट लोकेशन को जान सकते हो, है ना, हेल्प से, मैप की हेल्प से हम पता लगा सकते कि जगह एग्जैक्टली कहाँ पर है। एन एब्सोल्यूट लोकेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्लेसेस। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्लेसेस का मतलब यहाँ ये हुआ कि हम यहाँ पर कोई रेफरेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि भाई ये जगह यहाँ पर है, ये इसका एड्रेस है, ठीक है, एब्सोल्यूट लोकेशन। अब आ जाइए लॉन्गिट्यूड, नहीं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब हमें ना प्लेस अर्थ पर कैसे पता चलते हैं कि भाई कोई जगह कहाँ है, एब्सोल्यूट लोकेशन कैसे पता चलेगी। अच्छा आप सोचो, आप लोग कैब बुलाते हो, ठीक है, आजकल तो सबको पता है कैब सर्विसेज के बारे में, तो वो कैब वाले को कैसे पता चलता है कि आपका जो घर है वो कहाँ पर होगा। उसे सारी दुनिया तो नहीं देखी हुई है, सब कुछ तो नहीं देख रखा है ना, तो वो क्या करता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की हेल्प से लोकेशन पता कर लेता है। अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स, ये हम जो आगे देख रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल हेमिस्फीयर, ये सब क्या है ये मैं पढ़ाऊँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें समझा देना चाहती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन जा रही है, सॉरी सेंटर से जा रही थी ये लाइन, देखते हैं ये देखो ये हमारी अर्थ है, इसके सेंटर से एक लाइन इसे बराबर दो भागों में बांट रही है। ये जो लाइन होती है ये होता है इक्वेटर, जो कि होता है हमारा जीरो डिग्री पर। अभी बस याद कर लो जीरो डिग्री पर, ठीक है, डिग्री में चलेंगी सारी लाइनें। अब इक्वेटर जो होता है वो जीरो डिग्री पर होता है, इक्वेटर के ऊपर होती हैं 90 लाइनें, 1 2 3 ऐसे करते करते ऐसे 90 लाइनें यहाँ होती हैं, और ऐसे ही 1 2 3 आप करते जाओ 90 लाइनें नीचे होती हैं, 90 लाइनें ऊपर 90 लाइनें नीचे और एक लाइन ये, ठीक है, इक्वेटर वाली लाइन। टोटल कितनी लाइन हो गई 181। ये सारी लाइनें जो लेटी हुई लाइनें, इस तरीके से मैं ये लाइनें बना रही हूँ लेटी हुई, ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है, क्लियर है इतना बात, लैटिट्यूड्स कहलाती हैं ये लाइनें, पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। अब अगली बात समझते हैं लॉन्गिट्यूड, यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल अभी समझाऊंगी। ये देखो इस तरह से लंबी लंबी लाइनें, ये जो खरबूजे की शेप बन रही है ना इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अब मान लो कि मेरी लैटिट्यूड्स लाइनें भी मिल गई, ये लॉन्गिट्यूड्स लाइनें भी आ गई, ये इसको मिलाकर क्या बन गया मेरा एक जाल बन गया, जिसे हम क्या बोलेंगे ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के मिलने पर एक ग्रिड बनता है, और ये जो जगह जो क्रिस क्रॉस कर रही है, जो काट रही है, ठीक है, ये होता है हमारा लोकेशन ऑफ द प्लेस। इसीलिए हमें हर जगह की लोकेशन पता करने के लिए वहाँ के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, हमें तो नहीं कह सकते, हम ये बोलते हैं कि गूगल पता कर लेता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, कौन से पॉइंट पर वो जगह आ रही है, और इस तरीके से लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है। अब एक और बात समझो, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जितनी भी देश होंगे, जितनी भी जगह होंगी, ये होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, ये होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पर किनारे पर, यहाँ होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहाँ होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है, ये जगहें नॉर्थ पोल साउथ पोल कहलाती हैं। देखो इक्वेटर से कितनी दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है दोनों तरफ, नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी। ये होती है फ्रीज जोन, यहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा ठंड, क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर बिल्कुल स्लांटिंग पड़ती हैं, क्लियर है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी आपको समझ आया क्या। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में भी ये जगहें होंगी, है ना। अब देखो मैं साफ साफ बना के दिखाती हूँ, ये देखो ये इक्वेटर हो गया, अब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो बीच में जो जगहें हैं, ये जो जगहें यहाँ पर जो देश होंगे, मान लो ये लाइनें ऐसे लगा दो, अब ये जो जगहें ये बीच वाली यहाँ पर टेम्परेरी, क्योंकि ये वाला एरिया में तो क्या होगा बहुत गर्मी होगी, ये वाली में बिल्कुल बर्फ जमी होगी, और बीच में जो देश आएंगे वहाँ पर मौसम ठीक ठीक रहेगा, ना तो बहुत मॉडरेट रहेगा लाइक, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। अब और बात समझो, अब इस तरीके से ये जो लाइन हमारी काटती है बीच में से, ऊपर के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, आधे भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स आधा पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले आधे पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला आधा पार्ट, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इंडिया का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ से, ये भी तो अर्थ को एक लाइन काट रही है, ये होती है प्राइम मेरिडियन, यहाँ भी जीरो डिग्री है, ये होती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये वाली इक्वेटर है, लेटी हुई वाली इक्वेटर है जो बराबर भागों में काट रही है, और लंबी वाली क्या है हमारी
प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से क्या होगा, अब यहाँ पर ये 180 लाइन इधर, 180 लाइन इधर, प्राइम मेरिडियन को काउंट नहीं करता। तो 180 लाइन इधर होती हैं, 180 लाइन नॉर्थ की, मतलब 180 लाइन जो है वो ईस्ट की साइड है, 180 लाइन वेस्ट की साइड है। सब में एक एक डिग्री का अंतर होता है, लाइक ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, इस तरीके से चलती है। और लेटीट्यूड लाइनें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक ऊपर, 90 डिग्री तक ऐसे नीचे आता है। ठीक है, अब ये समझो कि ये 180 इस वाली साइड और 180 इस वाली साइड, तो टोटल कितने हो गए, ये लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए हमारे, 360 हो गए। एम आई क्लियर? नाउ क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम पढ़ेंगे एक्सेस क्या होता है भाई। अर्थ अपने एक्सेस पर, ये देखो ये जो एक्सेस है ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये दिख रहा है एक्सेस पर, ये जो लाइन जा रही है या एक्सेस बी जो है वो इस तरीके से निकलता है कि एक पार्ट नॉर्थ पोल एक पार्ट साउथ पोल, और इस पे ये घूमती है। ठीक है, ये आप ऐसे पकड़ोगे ना ग्लोब को तो ये स्पिन करेगा, घूमेगा। तो ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्सेस कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ वापस से। ग्लोब हैज़ एन एक्सल, ग्लोब के पास एक एक्सल होता है, एक्सल लगा होता है ग्लोब के अंदर, जिससे क्या होता है, इट दैट हेल्प्स इट टू स्पिन, जो इसे घूमने में मदद करता है। द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन द इमेजिनरी एक्सल, अर्थ भी जो है वो इमेजिनरी एक्सल पर स्पिन करती है, घूमती जाती है। विच इज़ नोन एज एक्सेस ऑफ द अर्थ, जिसे हम एक्सेस ऑफ द अर्थ कहते हैं। द टू एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सेस आर एस पोल्स, जो दोनों अर्थ हैं के एक्सेस हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ पोल। द पॉइंट एट द टॉप इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज नोन एज साउथ पोल। तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया बच्चे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अर्थ भी देखो मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। द इक्वेटर, अब इक्वेटर मैंने आपको क्या समझाया, अभी एक इमेजिनरी लाइन है, सच में कोई लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 equal halves। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, नोन एज हेमिस्फीयर। ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को दोनों को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। द हाफ ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर, जो आधा ऊपर वाला पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ये अर्थ है, ये ऊपर वाला आधा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर तो दोनों कहला रहे हैं ना, ये भी हेमिस्फीयर ये भी हेमिस्फीयर, लेकिन ये कौन सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा है साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, द हाफ ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द हाफ बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। अ ग्लोब और अ मैप हैज अ नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन ऑन इट, अब ग्लोब पर और मैप पर बहुत सारी लाइनें ड्रॉ होती हैं, जो होती हमारी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ये देखो ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये समझ आ गया ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसी के बारे में क्योंकि आप आगे पढ़ने वाले हैं। ग्लोब और अ मैप हैज़ अ नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन ऑन इट, इट रियलिटी देयर आर नो लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस, सच में अर्थ पे कोई भी लाइन इस तरह से नहीं बनी हुई है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स दैट हेल्प अस टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द प्लेस, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जो हमें एब्सोल्यूट लोकेशन पता करने में बहुत मदद करती हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, द इमेजिनरी लाइन जस्ट काल्पनिक लाइन, सच में कोई लाइन नहीं है, इन ईच हेमिस्फीयर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर अप टू द पोल्स। अब ये पैरलर का मतलब क्या होता है, पैरलर का मतलब होता है इनकी इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितनी दूरी होगी, अगली लाइन के बीच में भी उतनी दूरी होगी, अगली लाइन के बीच में भी उतनी दूरी होगी। ये देखो ट्रेन जैसे पैरलर ही चलती है ना, यहाँ पर भी बराबर दूरी, यहाँ पर भी सेम एज इनके बीच में, यहाँ यहाँ सब बराबर दूरी होती है, तो ये पैरलर चलती हैं। ठीक है, और पोल्स तक जाती हैं, ऊपर वाले पोल नॉर्थ पोल तक जाएंगे, नीचे की साइड नॉर्थ साउथ पोल तक जाएंगे, इसीलिए इन्हें पैरलर्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। सिंस द अर्थ इज राउंड, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है राउंड है, दीज लाइन आर सर्कुलर, ये लाइन सर्कुलर होती है, किस तरह से बनी होती है, ये इस तरह से आधा गोला फिर आधा गोला फिर आधा गोला फिर ऐसे, ये इस तरह से सर्कुलर बनी हुई होती हैं। ठीक है, और दे रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि भाई किस डायरेक्शन में रन करती हैं, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं अराउंड द ग्लोब। द इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड, अब इक्वेटर को भी हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना, ये इक्वेटर इसे लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग द डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वेटर, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर से, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री बोला ना मैंने,
वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, फोर डिग्री, फाइव डिग्री, सिक्स डिग्री, सेवन डिग्री, करते करते यहाँ पर आते आते हमारे 90 डिग्री आ जाते हैं। ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट करते करते यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाते हैं। 90 डिग्री प्लस एट लाइन एक क्वार्टर की, ठीक है। तो 181 हमारे क्या होते हैं, पार्लर्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड को हम डिग्री में मेजर करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग द डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वाटर। द स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेजर करने का डिग्री को, वो होता है हमारा इक्वाटर। द डायग्राम गिवन हियर शोज द इक्वाटर एट द जीरो डिग्री। मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इक्वेटर कहाँ होता है, कितने डिग्री पर होता है, जीरो डिग्री पर होता है। द वैल्यू ऑफ ऑल अदर लैटिट्यूड्स इज फॉलोड बाय द लेटर एन। जो वैल्यू है बाकी लैटिट्यूड्स की वो फॉलो की जाती है बाय द लेटर एन। एन का मतलब होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और एस से साउथर्न हेमिस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट द लैटिट्यूड नेक्स्ट टू द इक्वेटर वो कितने डिग्री पर होगा, वन डिग्री। उससे अगला कितने पे होगा, टू डिग्री। उससे अगला कितना होगा, थ्री डिग्री एंड दिस सो ऑन, ठीक है। एज वी मूव फर्दर नॉर्थवर्ड, जब तक हम नॉर्थवर्ड नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं, मूव करते जाते हैं, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड एज टू डिग्री नॉर्थ, थ्री डिग्री नॉर्थ, फोर डिग्री नॉर्थ। फिर से समझ लो, ये देखो ये इक्वेटर है, वन डिग्री नॉर्थ, टू डिग्री नॉर्थ, थ्री डिग्री नॉर्थ, फोर डिग्री नॉर्थ, ठीक है, फोर डिग्री नॉर्थ इस तरीके से, ठीक है, फोर डिग्री नॉर्थ डिग्री ऊपर लगाएंगे, गुड, ठीक है। और अब आ जाइए अनटिल वी रीच 90 डिग्री नॉर्थ, जब तक हम ऐसे करेंगे जब तक हम 90 डिग्री नॉर्थ तक नहीं पहुंच जाते, विच इज़ इन द नॉर्थ पोल। द लैटिट्यूड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर नंबर्ड इन द सेम वे। साउथर्न हेमिस्फीयर में भी इसी तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, टिल वी रीच द साउथ पोल विच इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री साउथ, ठीक है। द इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। बहुत बढ़िया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बिल्कुल बन के आ सकता है कि किस लाइन को हम ग्रेट सर्कल बोल सकते हैं, या विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट मतलब देखो अपने आप खुद भी देखो कि इक्वेटर की तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड हुआ, ये देखो ये गोला है, ये सबसे लंबी लाइन, अब इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, छोटी छोटी होती जाती है, सेम एज ये भी छोटी होती चली जा रही है ना, ये जो हमारा लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कहलाता है, या हम इसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल। एज वी मूव नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स फ्रॉम इट द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस इन साइज। हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, हम साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये लैटिट्यूड्स जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं साइज में, छोटे होते जाते हैं, ठीक है, टिल दे आर रिड्यूस टू अ डॉट एट द पोल्स। पोल्स पे एकदम डॉट आ जाता है, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज लाइक डॉट, ये यहाँ पर एकदम डॉट आ जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है लैटिट्यूड के बारे में, वो हम पढ़ लेते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा एंड द पोल्स, देयर आर फोर अदर इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनके नाम याद करो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितनी डिग्री पर पहुंचेगा भाई, यहाँ जीरो डिग्री से लेकर 23, यहाँ पर पूरे 23 लाइनें बना लो, 23 के बाद एक लाइन 24 बनेगी, उसके बीच में यहाँ ये जगह पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ऐसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ये चार लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डिग्री इनके सामने लिखी है, डिग्री कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आ जाइए, देर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, 90 लाइन्स जो होती हैं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होती हैं, 90 लाइन्स होती हैं साउथ ऑफ द इक्वेटर, प्लस एक इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स आर नोन एज मेरिडियंस, बिल्कुल क्वेश्चन निकलता है कि वॉट आर मेरिडियंस, सो लॉन्गिट्यूड्स आर नोन एज मेरिडियंस, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम दी नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। दे टू आर नंबर्ड लाइक लैटिट्यूड्स, इनकी भी नंबरिंग ऐसी होती है लैटिट्यूड्स की तरह। अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीन विच इन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, इट इज एक्सेप्टेड एज अ जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। देखो ये भाई कोई तो आपको पॉइंट मानना पड़ेगा ना, अर्थ के सेंटर में लॉन्गिट्यूड में भी, वो है ये जगह, जो जगह पड़ती है कहाँ पर, ग्रीनविच इन जो जगह है वहाँ पे, वो जगह कहाँ पर, इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम में, रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, ये पूरा एड्रेस समझ लो, इसको याद कर लेना, इसी लाइन को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये होता है हमारा जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इक्वेटर पे जीरो डिग्री लैटिट्यूड था और ये जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन इक्वेटर, याद रखना दोनों के अंतर। द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड्स, अब देखो ये जीरो डिग्री है तो ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो डिग्री, फिर वन डिग्री, टू डिग्री, इस तरीके से डिग्रीज चलेंगे, सेम है इधर चलेगा, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड्स, अदर लॉन्गिट्यूड्स
आर ड्रॉन टू द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड बाकी की सारी लाइनें बनती हैं. द डायग्राम हियर शोज द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. डायग्राम यहाँ पर शो करता है प्राइम मेरिडियन को जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होता है. द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट अप टू 180 डिग्री ईस्ट. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 डिग्री वेस्ट अप टू 180 डिग्री वेस्ट. ठीक है ना, कैसे देखो समझ लो फिर से. 0 डिग्री, ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ तो सबको पता होता है. तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन. तो जो ईस्ट की साइड तो ईस्ट 1 डिग्री, 1 डिग्री ईस्ट, वेस्ट की साइड तो 1 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से चलेगा. ठीक है, द प्राइम मेरिडियन टू डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब ये बात याद रखना कि जैसे कि इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटता था, सेम एज प्राइम मेरिडियन भी 2 इक्वल हाफ में बांटता है. ठीक है, बस अंतर ये होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है या नॉर्थ और साउथ में बांट देता है, और ये किस में बांट देता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है. ठीक है, अब आ जाइए इसके आगे. आर द एरियाज बिटवीन 0 डिग्री लैटिट्यूड्स 180 डिग्री वेस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. या तो ये तो सारा समझ में आ गया, ईस्ट की साइड वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया आधा पार्ट, और वेस्ट की साइड वाला आधा पार्ट जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया. हाउ एवर, यानी कि फिर भी 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज सेम द सेम लॉन्गिट्यूड एंड इज नोन एज 180 डिग्री और इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि जो डिस्टेंस होता है हमारा मैक्सिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है. ये हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड का जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सॉरी मैक्सिमम देखो कैसे, ये देखो, ये अब ये देखो, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तो मैं जो दिख रहा है, बाकी के लॉन्गिट्यूड्स तो पास पास हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है इस लाइन और इस लाइन में, है ना. तो इक्वेटर पे यहाँ पर बीच में सबसे ज़्यादा मोटाई है, हमें दिख रहा है डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं ये डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है. कैसे देखो, ये देखो पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ यहाँ से ये देखो डिस्टेंस कम है ना इन लाइनों के बीच में, है ना. ये देखो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस, ये जो है यहाँ पर लाइनें बिल्कुल पास आती चली जा रही हैं, ये चीज़ वो बता रहे हैं आपको. द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू दीज कंट्रीज. अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आता है कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है. द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, ये सारे नाम आप पढ़ लेना. ठीक है, यहाँ से पास होता है. इट ऑल्सो घाना है, फासो है, ठीक है, बुर्किना फासो एंड घाना. इट ऑल्सो पासिस थ्रू अंटार्कटिका, या अंटार्कटिका से भी पास होता है. तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है. अब ग्रिड क्या होता है, जहाँ देखो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन इस तरीके से मिलती हैं, एक जाल बन जाता है, ये ग्रिड कहलाता है. लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्रिस क्रॉस करते हैं ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स, इससे नेटवर्क ऑफ लाइन्स बन जाता है जिसे हम ग्रिड बोलते हैं. द पॉइंट इन द ग्रिड वेयर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जहाँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट. वो जगह कोऑर्डिनेट कहलाती है. कोऑर्डिनेट्स हेल्प्स अस टू लोकेट एनी प्लेस. कोऑर्डिनेट हमें मदद करते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए और पॉइंट ऑन दी अर्थ, अर्थ पे पॉइंट आउट करने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ मैप गिवन बिलो. चलो इसको समझते हैं, जो एक मैप हमें दिया हुआ है उसकी मदद से. इन दिस, इसमें, इन दिस मैप द कॉलम्स आर लेबल्ड ऑन द टॉप विद द लेटर्स ए बी सी डी एंड द रोज आर लेबल्ड विद द 1 2 3 4. देखो इस तरीके से, ठीक है, ये जगह जगह जो है ना, ये जो जगह काटती है ये जगह, ये लोकेशन कहलाती है. ठीक है, रवीज हाउस इज लोकेटेड इन द ग्रिड बॉक्स स्क्वायर फॉर्म अ कॉलम ए रो 4 एंड द नेम ऑफ द ग्रिड बॉक्स स्क्वायर्स ए 4. ठीक है, तो सिमिलरली मुख्तस मखीजा हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट बी 2. नाउ फाइंड आउट विच ग्रिड बॉक्स स्क्वायर पंच शॉपिंग मॉल. यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इज लोकेटेड. तो आपको ये समझाया जा रहा है बस बेसिकली यहाँ पर,
कि भाई किस तरीके से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी जगह की लोकेशन को पता करते हैं। यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। कोई भी बच्चा पर्सनल क्लासेस लेना चाहता है क्लास 5 का, कॉन्टैक्ट कर सकता है। बैच ऑलरेडी चल रहा है गूगल मीट पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर है 8588821529। चार्जेस रहेंगे 2000 पर मंथ, जिसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SST। ओके, तो चलिए जी, मिलते हैं। बाय बाय।